दोस्तों, जब से मैंने मोबाइल प्रोसेसर्स के लिए वीडियो बनाई तब से आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जीपीयू के लिए भी वीडियो बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीपीयू के बारे में बताने वाला हूं, ये क्या है और ये क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जीपीयू का पूरा नाम जान लेते हैं। ये होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये एक ऐसी यूनिट है जो आपके फोन की जितनी भी ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को प्रोसेस करती है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, तो जीपीयू जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट और एक होते हैं डेडिकेटेड। देखिये, जो भी आपका सीपीयू होता है कंप्यूटर में, चाहे वो इंटेल का हो या चाहे वो एएमडी का हो, उस सीपीयू के यूनिट के अंदर ही एक जीपीयू की यूनिट भी लगी होती है। एक सिंपल एक यूनिट होती है जो एक नॉर्मल ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकती है। लेकिन अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है तो आपका उस छोटी जीपीयू यूनिट से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जिसको हम बोलते हैं, कई बार अपने लैपटॉप में सुना होगा 1 GB का DDR3 ग्राफिक्स कार्ड है, 2 GB का DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है। तो वो एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक अलग से आप जीपीयू लगाते हैं जो आपके ग्राफिक्स को बूस्ट कर सकता है। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं मोबाइल फोन्स की, तो देखिए, जो मोबाइल फोन्स में आपकी SoC, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, तो वो एक चिप होती है जिसमें आपके सभी सिस्टम्स लगे होते हैं। आपका सीपीयू भी उसी में होता है, GPS के एंटीनास भी उसी में होते हैं, वाईफाई के एंटीनास भी उसी में होते हैं, आपकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी उसी में होती है, इमेज प्रोसेसिंग यूनिट भी उसी में होती है, जो आपकी DSPs होती हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, वो भी उसी में लगी होती हैं। तो ओवरऑल इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़ के जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक चिप में सारे सिस्टम्स आपके लिए होते हैं बने हुए, और ये कंपोनेंट्स एक चिप में होने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड मिलती है। इनका जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और आपको जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो जीपीयू है वो काम कैसे आता है। तो देखिए, आपके फोन में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी अंडर द हुड आपके सिस्टम चल रहे हैं, वो सब तो सीपीयू मैनेज कर रहा है। लेकिन जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी आपको एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं, जब आप स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन बार का उस मोशन में नीचे आना, या जब आप एप्स खोलते हैं तो उनका पॉपअप हो गया एप्स का खुलना, तो वो सभी एनिमेशन जो है वो जीपीयू मैनेज करता है। और जीपीयू जितना पावरफुल होगा, जीपीयू जितना अच्छा होगा, आपको उतने ही अच्छे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। एनिमेशन के अलावा अगर हम बात करते हैं मूवी प्लेबैक की, या अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो उसमें भी जो सीपीयू है वो बहुत ही थोड़ा रोल प्ले करता है, ज्यादा जो रोल है वो जीपीयू का होता है। अब दोस्तों देखिए, जीपीयू के रोल की बात तो क्लियर हो गई, कंप्यूटर में भी सेम रोल होता है। कंप्यूटर में भी जो आपको मूवी प्लेबैक वगैरह है, या जो गेमिंग वगैरह होती है, या अगर आप वीडियो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जितनी भी रेंडरिंग है वो सारी की सारी जीपीयू के थ्रू होती है। सीपीयू का रोल बहुत ही कम होता है। दोस्तों, मोबाइल फोन मार्केट में जीपीयू के लिए 3 मेजर आपने नाम सुने होंगे, PowerVR, Adreno या माली। अब देखिए, ये होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं माली की। तो माली जीपीयू जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोसेसर्स वाली वीडियो में, कि एक कंपनी है आर्म, जो आपके सीपीयू का, जो मोबाइल का जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन करती है। तो माली जीपीयू भी आर्म का ही एक अपना जीपीयू है जो उसने डिजाइन किया है, और वो लाइसेंस करती है अलग अलग कंपनीज को उस जीपीयू को अपने प्रोसेसर्स के साथ में यूज करने के लिए। जैसे कि मीडियाटेक के प्रोसेसर्स में माली का जीपीयू आता है, सैमसंग के प्रोसेसर्स में माली का जीपीयू आता है। अब ये जीपीयू जो है, इनके भी अलग अलग रेंजेस हैं, ये भी मतलब कम अच्छे और ज्यादा अच्छे सब तरह के मिलते हैं, हर एक प्राइस सेगमेंट में आपको जीपीयू मिलेगा। तो सिर्फ माली का होने से वो जीपीयू अच्छा नहीं होगा, वो कौन सा मॉडल है स्पेसिफिक आपको वो भी देखना होगा। और सीपीयू की तरह ही जीपीयू में भी आपको नंबर ऑफ कोर्स मिलती है, आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलती है ग्राफिक्स की, आपको एक जीपीयू में एक डेडिकेटेड मेमोरी मिलती है कि वो कितनी मेमोरी को हैंडल कर सकता है ग्राफिक्स में। तो ये 3 चीजें मिलकर आपको जीपीयू जो है वो अच्छा या बुरा बनाती है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं PowerVR की। तो देखिए, PowerVR भी एक कंपनी है जो जीपीयू को डिजाइन करती है, और अपना जो आर्किटेक्चर है उसको लाइसेंस करती है अलग अलग कंपनीज को, जिससे वो अपने अपने अलग अलग मॉडल्स में उसको यूज कर पाए, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मीडियाटेक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह। तो एप्पल के आईफोन में आपको जीपीयू देखने को मिलता है वो PowerVR का मिलता है, सैमसंग के कुछ मॉडल्स में आपको PowerVR का जीपीयू मिलता है, और मीडियाटेक के भी कुछ मॉडल्स में आपको PowerVR का जीपीयू मिलता है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं Adreno की। देखिए, Adreno जो है वो आपको सिर्फ Qualcomm में मिलता है, क्योंकि वो Qualcomm की अपनी टेक्नोलॉजी है और वो किसी और से शेयर नहीं करता है, और वो अपने ही जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं उनमें Adreno जीपीयू को यूज करता है। और इसमें भी आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिलती है, Adreno 205 से लेकर Adreno 430 तक या 530 तक। तो दोस्तों, ये तो थी जीपीयू में अलग अलग कंपनीज की बात, कैसे यूज होता है, क्या जरूरत है। अब दोस्तों देखिए, जीपीयू का मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनीज हैं, ये केवल एक फिजिकल कंपोनेंट नहीं शेयर करती हैं दूसरी कंपनीज के साथ में, ये केवल अपना आर्किटेक्चर, केवल अपना डिजाइन शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं माली जीपीयू की, जो एक आर्म का एक प्रोडक्ट है, तो माली जीपीयू का आर्किटेक्चर आर्म केवल सेल करता है, सैमसंग खुद अपना माली जीपीयू उस आर्किटेक्चर पे बेस्ड बनाता है, अपनी एसओसी में बनाता है, साथ में उसका एक्सिनोस प्रोसेसर लगा होता है, 4G, Wi-Fi, ब्लूटूथ वगैरह सब के एंटीनास लगे होते हैं, जीपीयू लगा होता है, ओवरऑल
वाले को चिप बनाता है। इसी तरीके से मीडिया टेक भी उसी जीपीयू को यूज करके अपनी चिप बनाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके प्रोसेसर की पावर हो जीपीयू भी सेम पावर का यूज किया हो। कई बार कंपनीज क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीडिया टेक की बात करूं तो मीडिया टेक के जो लो एंड फोन है उनमें जो वो जीपीयू यूज करते हैं वो थोड़ी सी हाई पावर का करते हैं, एक नॉर्मल जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा उसको हाई पावर जीपीयू यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बजट जो मीडिया टेक के फोन होते हैं उनमें कई बार आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन के जो बजट प्रोसेसर्स हैं उनका जो जीपीयू जो स्नैपड्रैगन अपना अर्डिनो यूज करता है उसके कंपैरिजन में मीडिया टेक जो अलग से एक जीपीयू यूज करता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज करता है। वो चाहता है कि कम बजट में भी लोग अच्छी गेमिंग का फायदा उठा सके, इसीलिए आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल मीजू M2 की अगर बात करूं तो उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है क्योंकि जो उसका जीपीयू है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का यूज किया है, मीडिया टेक ने थोड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट यूज किया है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो देखिए आपके फोन में जीपीयू बहुत अच्छा है, सीपीयू बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो एप्स के साथ में कंपैटिबल नहीं होगा ढंग से तब तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। आज से 2-3 साल पहले तक क्या होता था कि एड्रिनो जीपीयू बहुत ही पॉपुलर थे, मैं सिर्फ एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, अभी पावर वीआर भी थोड़े थोड़े पॉपुलर हुए थे। तो उस टाइम तक क्या होता था कि जैसे ही एक नया गेम लॉन्च होगा तो जो डेवलपर्स हैं वो उसको ऑप्टिमाइज करते थे एक एड्रिनो जीपीयू के लिए, वो माली या पावर वीआर वगैरह को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ फोन्स में माली जीपीयू था, बहुत ही पावरफुल था, फिर भी जो वो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज के डेट में जो डेवलपर्स हैं वो सभी जीपीयू को एकदम ढंग से ध्यान में रखते हुए ऑप्टिमाइज करते हैं अपने गेम्स को, क्योंकि सभी जीपीयू जो है अलग अलग सभी का मार्केट बहुत ही बड़ा बन चुका है, तो ऐसे में वो किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जीपीयू जो है वो आउटपुट आपको दिखाता है एनिमेशन के रूप में, या आपको जो गेम्स खेलते हैं उसमें आपको 3D इफेक्ट्स या पूरा जो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा काम जीपीयू करता है। तो ऐसे में जीपीयू की जो आउटपुट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी डिपेंड करती हैं, अलग अलग जीपीयू की अलग अलग होती हैं। जैसे कि किसी की होती है 720p, तो इसका मतलब वो जीपीयू सिर्फ 720p रेजोल्यूशन तक ही अपना आउटपुट दे सकता है, कुछ की होती है फुल HD, कुछ की होती है क्वाड HD वगैरह वगैरह। ऐसे में आप एक और काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो जीपीयू है उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो फुल HD तक है और आप फुल HD पे ही हाई सेटिंग्स में गेम खेल रहे हैं, तो आप ये मानिए कि ऐसे में आप उस जीपीयू की पूरी ताकत को यूज कर रहे हैं, तो आपको ग्राफिक्स तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद में आपको ग्राफिक्स जो है वो चॉपी नजर आए। ऐसे में अगर आप सेटिंग्स थोड़ा सा कम कर देंगे, अगर आप सेटिंग्स को मीडियम कर देंगे या लो कर देंगे, तो आपको जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथ देखने को मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीपीयू की पावर के अकॉर्डिंग अपने गेम में कैसे एक ट्रेड ऑफ करते हैं, कैसे आप एक बैलेंस बनाते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस में और एक अच्छे डिस्प्ले के बीच में। तो ये आपको देखना पड़ता है अपने जीपीयू के अकॉर्डिंग कि आप कैसे अलग अलग गेम्स में उसकी पावर को ऑप्टिमाइज करके उसका अच्छे से अच्छा आउटपुट देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको देख के पता चल गया होगा कि जीपीयू क्या है, कितना जरूरी है, कितनी अलग अलग वैरायटी का होता है, कैसे जीपीयू में कोर्स होती हैं, कैसे उसके अंदर भी सेम चीज है वो भी प्रोसेस करता है तो उसके अंदर भी सेम कोर्स होती है, सेम उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी सीपीयू की तरह ही काम करता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स को हैंडल करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके रोजाना नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।